ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଭାରତ। ପାମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମିଶନରେ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ଲୋକାଲରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଭାରତକୁ ଖାଇବା ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସର ପ୍ରୟାସ। ଏଥିପାଇଁ ପାମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରୟାସ। ପାମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମିଶନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପେଦାପୁରମରେ ପହଞ୍ଚି ପାମ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ। ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ 5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 64,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ 0.4 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସହ ଦେଶର 4 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। कि अभी तक हम करीब 40,000 किसानों को इससे जोड़ पाए थे। आने वाले 5 से 6 वर्षों में हमारा लक्ष्य है कि हम इससे 4 से 5 लाख किसानों को अपने साथ जोड़ पाए। और अभी तक जो करीब 1 करोड़ ये पाम प्लांटेशन, इसमें बड़ा भाग अभी आंध्रा में है, तेलंगाना में है, उसके बाद अभी असम में और नॉर्थ ईस्ट में शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के हमारा 12 स्टेट में पाम प्लांटेशन का ये कार्य चल रहा है। पाम चाष पाई पीपीपी मॉडल रे काम करबा लागि पतंजलि फूड्स 12 राज्य सरकारक सह एमओयू करिछि। एही व्यवसाय रे आगामी 5 वर्ष मध्य रे कोनोसी बी निवेश आसंता 7 रु 25 वर्ष लागि कंपनी पाई लाभदायक हेबो। एथि पाई भित्तिभूमि विकास उपरे गुरुत्व दे आसुछि पतंजलि फूड्स। वर्तमान कंपनी पक्षरु आंध्रप्रदेश रो 5टी ऑयल मिल काम करुछि। यार मोट उत्पादन क्षमता 0.94 मिलियन मेट्रिक टन रही बेले पर्याय भित्ति यह 2.27 मिलियन मेट्रिक टन करने को लक्ष्य रखा जाए छे। आगकु उत्तर पूर्वांचल राज्य में देश में प्रथम ऑयल मिल बसाइबा को योजना रखी पतंजलि फूड। देश में पाम ऑयल उत्पादन बढ़िले विदेश आमदानी होता पाम ऑयल रे ब्रेक लगे। 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का इंडोनेशिया मलेशिया आदि देशों से हमें पाम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज की जो हानि होती है, हमारे रुपए का अवमूल्यन होता है हमारी करेंसी का, और हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। हम खाद्य तेलों में एडिबल ऑयल्स में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कंपनी पाखरे वर्तमान 26 नर्सरी रही। आगामी 5 वर्ष संख्या 197 को वृद्धि करने को योजना रखी पतंजलि फूड्स। से आमदानी होता 4.5 मिलियन चारा को आगामी 5 वर्ष 62 मिलियन करने को लक्ष्य रखा जाए। कंपनी निजस्व चारा उत्पादन लगी योजना रखी। पाम चाषे गोटे हेक्टर चाष जमी चाषी को पखापाखि 2 लक्ष टकर रोजगार मिलता है। मोदी सरकार 12,000 कोटी रिहाती व्यवस्था कर जहाँफल लक्ष लक्ष चाषी पाम चाष पर प्रोत्साहित होती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।